हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मैं आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हूँ। ये इस सीरीज का 6ठा वीडियो है और अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोज को अच्छे से देखते हैं तो मेरा पूरा दावा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये IIBF के एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए समय को न गंवाते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या होती है। ऑप्शन है आधार अधिनियम 2016 और आधार अधिनियम का पालन, या फिर एनरोलिंग एजेंसियों को किराए पर लें या संलग्न करें और इसके कामकाज को मॉनिटर करें, या फिर सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सही। तो यहाँ रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी के बारे में पूछा है, तो रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारियाँ ये सभी होता है। ठीक है, यानी उसके अंतर्गत ये सारी जो है जिम्मेदारियाँ हैं ये सब रजिस्ट्रार की होती हैं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। कौन सा व्यक्ति या संस्था। ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार या UIDAI द्वारा निर्दिष्ट IFRFE में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाला, या फिर कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम है, या कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास नामांकन या अद्यतन डिवाइस है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार या UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFE में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति या संस्था नामांकन एजेंसी बनने का पात्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए, यानी उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, या फिर 10+2 पास होना चाहिए, या आधार नंबर होना चाहिए, या फिर एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, या फिर बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 जो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 10+2 भी पास होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए, और एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, EA पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षा में मूल बातों की जानकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर एक स्नातक होना चाहिए, या स्थानीय भाषा कीबोर्ड और लिप्यंतरण में सहज होना चाहिए, या फिर दिए गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन, यानी स्थानीय भाषा कीबोर्ड और लिप्यंतरण में सहज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। यानी कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है प्राधिकरण, रजिस्ट्रार,
ऑपरेटर या पर्यवेक्षक या फिर आईटी तकनीशियन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित डेस्क को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर सत्यापन अधिकारी या एक और पर्यवेक्षक या फिर रजिस्ट्रार कार्यालय। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन फर्स्ट, ठीक है, यानी पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। ऑप्शन है एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय कराता जो POI या POA को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, या फिर एक उपयोगकर्ता जो नामांकन प्रपत्र भरता है या आधार पास पाने के लिए, या फिर एक उपयोगकर्ता जो आधार के नामांकन पाने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थित है, या फिर ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सात का ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, यानी ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है, वही ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिचयकर्ता आधारित है ना, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। ऑप्शन है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर या परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान या फिर परिचयकर्ता का आधार संख्या। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में सभी, दिए गए विकल्पों में सभी होना चाहिए, यानी परिचयकर्ता के हस्ताक्षर भी होना चाहिए, परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान भी, या फिर परिचयकर्ता का आधार संख्या, सब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते, ठीक है, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें, या फिर नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें, या फिर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन या अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है, या फिर दिए गए सभी विकल्प। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी दिए गए सभी विकल्प ये पर्यवेक्षक को करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में कम से कम दो बार शामिल समकालिक हो, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में कम से कम एक बार समकालिक हो। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या एक महीना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक, यानी 10 दिन। ठीक है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन है बाय हार्ड डिस्क पर दो बार नामांकन डेटा का बैकअप ले, या फिर अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें, या हर
10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें या फिर भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं या गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुरक्षित करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में दो बार नामांकन डेटा का बैकअप करें और हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें, ठीक है, साथ ही साथ भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। ये तीनों एक पर्यवेक्षक को करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए, क्या यह सही है या गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बनाई गई नामांकन पैकेट जो है उसकी समीक्षा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। नामांकन डेटा में दर्ज की गई अगर कोई त्रुटि है तो उसके मामले में निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देशों का उपयोग करें, या फिर एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत है, या निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए, या फिर निवासी के घर पर जाएं और सही जानकारी एकत्र करें। तो अगर नामांकन डेटा में कोई भी त्रुटि का मामला है तो इस स्थिति में निवासी को सूचित करना चाहिए कि सुधार समय सीमा के भीतर आकर नामांकन केंद्र में अपना जो त्रुटि हुई है अपनी उसको सुधरवा ले, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा, अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। ऑप्शन है, उसके या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, या फिर प्राधिकरण को मेल भेजें, या दिन भर के नामांकित निवासियों को थोक SMS भेजें, या फिर ऑपरेटर से कहें उसका या उसकी अंगुली का निशान देकर साइन ऑफ करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उसकी या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। अगला क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है, लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे कर सकती है। ऑप्शन है, खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाएं, या फिर जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना, या नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें, या फिर मामलों को प्राधिकरण के पास आगे भेजें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा, यानी एक पर्यवेक्षक नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है। ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संचालित अर्थात सफाई, बिजली का कनेक्शन इत्यादि करता है, या फिर प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक माध्यम, या नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति, या फिर एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन कराने आता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति ऑपरेटर या पर्यवेक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है। ऑप्शन है, व्यक्ति की उम्र 18 और 21 के बीच होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति स्नातक होना चाहिए, या व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, किसको ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका अदा करने के पात्र माना जाता है।
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन की फॉर्म जांच करने के संबंध में है, ठीक है। तो ऑप्शन है निवासी के अंगूठे की छाप है, या ऑपरेटर के अंगूठे की छाप है, या फिर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर है, या परिचयकर्ता के या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि निवासी की स्क्रीन बंद हो जाए? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच लें, और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जब किसी ऑपरेटर को निवासी का नामांकन करना है तो उसे बिल्कुल जांच लेना चाहिए, उसने जो डेटा दर्ज कराया है उसको जांच लेना चाहिए, और बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा भी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, बिल्कुल सच। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामला में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी या उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक या डिप्लोमा धारक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला 10वीं पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑन बोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। ऑप्शन है किसी भी अन्य ऑपरेटर, या UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, या फिर पर्यवेक्षक या निवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, UIDAI को ही ये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है कि वह ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार करे या ना करे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है CELT टैबलेट, या कोई भी CELC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर, या कोई भी CELC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप, या नामांकन फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CELC टैबलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन है ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण है उसके दस्तावेज लेना चाहिए, या फिर ऑपरेटर के हस्ताक्षर लेना चाहिए, या ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लेना चाहिए, या फिर ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र को लेना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स को लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता कौन है। ऑप्शन है जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है, या व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, या फिर वह व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहा है, या फिर वह व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो सत्यापनकर्ता होता है वह निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन या अपडेट फॉर्म की पुष्टि को करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है, ठीक है। निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता
की भूमिका के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है निजी स्कूल के शिक्षक या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या फिर अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियां या सैन्य कर्मचारी। तो सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, वो सबसे उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। ऑप्शन है मूल शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो या दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd यानी बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। ये निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज है जो POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से है किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं या फिर यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जा रहा है तो, या फिर यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल जमा करता है तो, या पहला और दूसरा दोनों। यानी यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं और यदि उसे ये पता चलता है कि प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी है वह फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है तो इस स्थिति में सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है POI के लिए निवासी के नाम डैश युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल पता या फोटो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो निवासी के POI में जो फोटो युक्त दस्तावेज होता है उसी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फोटो युक्त दस्तावेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में यह चंद्रशेखर है, तो आप इस तरह की एक मामले में क्या करेंगे? यह ऑप्शन है चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करेंगे या फिर चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करेंगे या चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करेंगे या आवेदन को अस्वीकार करेंगे। बिल्कुल अस्वीकार कर देंगे क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कहीं पे नाम इसका चंद्र प्रसाद है और कहीं पे नाम चंद्रशेखर है, तो इस स्थिति में आवेदन को स्वीकारा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करेंगे या फिर निवासी का पूरा नाम दर्ज करेंगे या निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करेंगे या फिर POA जो दस्तावेज में दर्ज नाम है उसको दर्ज करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी POA दस्तावेज में जो दर्ज नाम है उसी को दर्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न न रहें या फिर प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें या फिर सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित हों या दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन यानी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित जो प्रशिक्षण सामग्रियां हैं उसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए न कहें। बिल्कुल सही है, यह पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे लेने के लिए न कहें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है
उपक्रमों, बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक के नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाएगा। ऑप्शन है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या प्रबंधक। आंसर हो जाएगा ग्रुप सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी उपक्रमों, बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवा अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रुप सी के रैंक से नीचे जो नहीं होते हैं उन्हें ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता, ठीक है। ऑप्शन है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, या फिर शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी, या बच्चों के मामले में पते से संबंधित सूचना, या फिर बच्चों के मामले में माता पिता से संबंधित सूचना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक, वयस्कों के मामले में माता पिता की बारे में जो जानकारी है उससे सत्यापन, उसका सत्यापन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है POR दस्तावेज सत्यापित करें, या परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार, या फिर DNA रिपोर्ट के लिए कहें, या परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। क्या हो जाएगा, यह मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला, POR दस्तावेज को सत्यापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी सच। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन है तो उसके मामले में नामांकन या अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। जी नहीं, इसे बिल्कुल सत्यापित करना अनिवार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, झूठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, झूठ। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल संबंधों का उल्लेख करना आवश्यक है, तो इसका भी आंसर वही होगा, बिल्कुल झूठ, ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है, क्या उसका सिर्फ नाम ही आवश्यक है, उसका आधार नंबर वगैरह आवश्यक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, झूठ, ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म एवं जाति नोट करना अनिवार्य है, तो आधार के लिए निवासी के नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य नहीं है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सच, यानी जो परिवार के मुखिया आधारित नामांकन का मामला होता है तो उसमें परिवार के मुखिया का आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है, यानी आवासीय पता एक अतिरिक्त सांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है, क्या ये सच होगा या झूठ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानी झूठ, ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है, ठीक है, परिचयकर्ता। ऑप्शन है पंजीयक के कर्मचारी, या परिवार का मुखिया, या कोई भी भारतीय नागरिक, या एक किसान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला, पंजीयक के कर्मचारी, ये एक परिचयकर्ता हो सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक होता है। ठीक है, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक होता है। बिल्कुल सच, ये प्रदान करना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो एक नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक होता है। तो ये मेल है कि फीमेल है, नामांकनकर्ता निवासी, ये दर्ज करना आवश्यक होता है। तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सच। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। ठीक है, निवासी का मोबाइल नंबर, तो क्या निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए? तो ये सही होगा या गलत होगा? तो इसका आंसर आप सोच सकते हैं कि जब 5 वर्ष के बच्चे का नामांकन कराया जाता है तो उसके पास मोबाइल नहीं रहता। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास मोबाइल नंबर, उसका अनिवार्य रूप से ही लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। यानी एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल कैप्चर करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला, सच। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों में से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी? ऑप्शन है, नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई या नेत्रंग, या फिर नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, मातृ जन्म प्रमाण पत्र, या नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि या आवासीय पता, या फिर नाम, जगह, ऊंचाई या मोबाइल नंबर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा कहा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता, ये जनसांख्यिकी के लिए जानकारी ये एकत्र होनी चाहिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली में उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो ऑप्शन है, BR शर्मा, B राहुल शर्मा, या अख्तियार राहुल शर्मा, बख्तियार राहुल शर्मा, या BRS, सॉरी ये बख्तियार राहुल शर्मा है या BRS। तो यहाँ पे आपने इससे पहले ही वीडियो में जाना है कि कभी भी नाम जो है वो पूरा दर्ज करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बख्तियार राहुल शर्मा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे 7वें वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए, धन्यवाद।